हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनन्या किचन रेसिपी में। आज हम बनाएंगे बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। थी आप हमने कढ़ाई रख दिए हैं, इसमें हम एक कप पानी डाल देंगे, एक छोटे चम्मच नमक डाल देंगे और हम एक छोटी चम्मच तेल डाल देंगे। और यहाँ पर हमने दो सूखी लाल मिर्च को काट कर ले लिया। आप इसकी जगह चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं। इन सब में अब हल्का सा पानी उबाल आने देंगे। एक बार इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पानी में उबाल आ चुका है। तो यहाँ हमने एक कप सूजी लिए हैं, सूजी को डाल देंगे और सूजी को इसी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत जल्दी पक जाएगा, 2 से 3 मिनट लगेगा उतना में ये बन जाएगा। ये देखिए, गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, तो इसे और 1 से 2 मिनट पकाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो अब इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ हमने निकाल लिया है, तो इसे ठंडा होने देंगे। जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसका हम बनाएंगे। तो इसे इसी तरह से रख देंगे। यहाँ फिर ठंडा हो चुका है, तो एक बार हाथों से इसे मसल लेंगे ताकि एकदम मुलायम हो जाए। यहाँ पे अब इसे बनाएंगे, हाथों में छोटा छोटा लेंगे। आप इसे ज़्यादा बड़ा मत बनाइए, छोटा छोटा ही बनाइएगा। इस रेसिपी में छोटा छोटा ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से पहले बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम दूसरा बनाकर आपको दिखाएंगे। तो हम दूसरा बना लेते हैं, इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। आप देखिए, यहाँ हमने सारे बना लिए हैं। इस तरह से हम ले लिए ही, इसमें होल कर देंगे। होल करने से जो हम ग्रेवी इसका बनाएंगे तो उसमें अंदर तक जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे होल कर लेंगे। पहले जो लिए हैं उस पर तेल लगा लेंगे और उसके बाद होल करेंगे तो चिपकेगा नहीं। तो यहाँ हमने होल कर लिए हैं। यहाँ हमने पहले से पानी गर्म होने के लिए रख दिए थे और जो बना कर रखे हैं ये रख देंगे और 10 मिनट तक स्टीम होने देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है, देखिए अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। तो अब इसे निकाल लेंगे हम, इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ पर हमने फिर से कढ़ाई रख दी है, इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, तो यहाँ हमने 2 से 3 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च काट कर ले लिए हैं। ये सारे डाल देंगे हम तेल में। यहाँ हमने डाल दिए, तो इन सबको हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा ही भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए भून चुका है। तो यहाँ हमने 1 प्याज इस तरह से काट कर ले लिए हैं, ये डाल देंगे हम। प्याज को भी भून लेंगे, पहले मिक्स कर लेंगे प्याज को, हल्का सा भूनेंगे। तब तक प्याज भून रही है तब तक यहाँ पर हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिए हैं, इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालकर घोल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने घोल लिए हैं, तब इसे साइड में रख देते हैं। आप देख सकते हैं, तो यहाँ हमने प्याज भून चुकी है। यहाँ हमने 1 शिमला मिर्च को बारीक काट कर ले लिए हैं, ये डाल देंगे और इसे भी भून लेंगे। ज़्यादा भूनेंगे नहीं, बस सिर्फ मिक्स करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें भून चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप लिए हैं, ये डाल देंगे। आप यहीं पे 1 बड़े चम्मच सेजवान सॉस ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 छोटे चम्मच सोया सॉस लिए हैं, ये डाल देंगे। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब 1/2 टीस्पून विनेगर डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब यहीं पे हम 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे। अब पानी डाल के मिक्स कर लेंगे और इसमें उबाल आने देंगे, इसे इसी तरह से रहने देंगे। ये देखिए, यहाँ पे उबाल आ चुका है। तो जो कॉर्नफ्लावर का घोल बना कर रखे थे इसमें हम डाल देंगे। पहले एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे इसी तरह से। यहाँ पे मिक्स हो चुका है, जो सूजी का हमने बना कर रखे थे इसमें डाल देंगे। और अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। और प्लीज वीडियो को फुल वॉच कीजिए आप लोग, और लाइक भी कर दीजिए, कीजिए। लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग वीडियो को। ये देखिए, हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने मिक्स कर लिए हैं, इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे देखिए पक चुका है, थोड़ा सा और नमक डाल देंगे। ये देखिए, यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने स्प्रिंग ओनियन लिए हैं, ये डाल देंगे ऊपर से और गैस को बंद कर देंगे, इसे सर्व कर लेंगे। तो अब इसे निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर हमने निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं कितना यम्मी बना है। बस थोड़ा सा कैमरा अच्छा नहीं आ पाया, इसीलिए वो पूरा अच्छी तरह से नहीं दिख पा रहा है। हम आपको एक तोड़ कर दिखाते हैं।
ये देखिए कितना यम्मी बना है, तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा सुबह सुबह नाश्ते में। अगर नहीं कुछ समझ में आए तो ये बना लीजिएगा। और आज की रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए